सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। फिर से आ चुका हूँ आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर। सो दोस्तों, आज हम लोगों के पास आ चुका है Redmi 12 4G। हाँ दोस्तों, एक ये 4G वेरिएंट है। अंडर 10,000 में आप लोगों का एक बेस्ट स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। जेड ब्लैक कलर में आप लोगों को ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने मेरी अंडर 10,000 वाली कोई भी वीडियो देखी होगी, सो दोस्तों ये स्मार्टफोन उसमें इंक्लूडेड है। तो चलिए दोस्तों, इस स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं, जानते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर बात करें फिजिकल ओवरव्यू की, सो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर नीचे की साइड स्पीकर के लिए टाइप सी पोर्ट एंड दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर प्राइमरी माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। राइट साइड में आप लोगों को पावर लॉक अनलॉक बटन, ठीक उसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पर वॉल्यूम ब्रोकर देखने को मिल जाता है। ऊपर की साइड आप लोगों को 3.5 mm का जैक एंड दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर IR प्लास्टर का भी ऑप्शन दे दिया गया है। एंड दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिम ट्रे दे दिया गया है। सो दोस्तों, अगर बात करें बैक के बारे में, सो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, एक फ्लैश लाइट एंड दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर रेडमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। क्रिस्टल ग्लास डिजाइन काफी दोस्तों बेहतरीन लगता है इस स्मार्टफोन में देखने में। तो चलिए दोस्तों, बात करें अगर इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो MediaTek Helio G88 का इसमें पावरफुल प्रोसेसर लग के आ जाता है। 4GB प्लस 6GB का आप लोगों को यहाँ पर दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। अप टू 128GB आप लोगों को यहाँ पर स्टोरेज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। IP53 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है दोस्तों ये स्मार्टफोन। अगर दोस्तों इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में बात करें, तो 6.79 इंचेस का IPS LCD 90Hz का आप लोगों को यहाँ पर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। गोरिल्ला ग्लास 3 की आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट में प्रोटेक्शन दे दी गई है। एंड दोस्तों बेजल लेस विद पंच होल डिस्प्ले, काफी वाइब्रेंट कलर दोस्तों इस डिस्प्ले में मेरे को निकल के आए हैं। लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर दोस्तों ये स्मार्टफोन रन करता है। अगर दोस्तों इसके कैमरा के बारे में बात करें, तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 50 megapixel का आप लोगों को यहाँ पर प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा। 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 megapixel का आप लोगों को माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों पिक्चर क्वालिटी इसकी काफी ज्यादा अच्छी, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। LED फ्लैश एंड दोस्तों फुल HD 30 fps आप लोग यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों से ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें, तो 8 megapixel का आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करें, तो 5000 mAh की आप लोगों को यहाँ पर बैटरी, 18W फास्ट चार्जिंग टाइप सी पोर्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हाइब्रिड सिम स्लॉट है, डुअल नैनो 4G सिम को ये सपोर्ट करता है दोस्तों। ये इसका 4G वेरिएंट है दोस्तों। मैंने Redmi 12 5G वेरिएंट की भी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग आई बटन पर जाकर ये वाली भी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों 128GB इंटरनल स्टोरेज है, डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है दोस्तों। ये काफी एक बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी आप लोगों को अंडर 10,000 बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन बन जाता है दोस्तों। आप लोगों को ये स्मार्टफोन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या दोस्तों आप लोगों के पास भी ये स्मार्टफोन है, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से ऐसी एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।